हेलो गाइज, मेरा नाम मनीष और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में। कौन सी कंट्री का आईफोन 14 आपको इंडिया के अंदर बाय करना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मात्र इस वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट है। मुझे उम्मीद है अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, दिखाते हो नहीं, बट ये लाइन फिर भी आपके लिए बोलनी पड़ती है, ठीक है। बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, आईफोन 14 सीरीज़ यानी कौन सी कंट्री का आईफोन खरीदें हम इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि इंडियन आईफोन्स की जो प्राइस वो काफी महंगी और अब और प्राइस भी बढ़ चुके हैं, तो लोग क्या है इंडिया के अंदर इंपोर्टेड आईफोन ज्यादा खरीदते हैं। यूएसए का हो गया, जापान का हो गया, हांगकांग का हो गया, फिर दुबई वगैरह से आते हैं, ये फोन ज्यादातर खरीदते हैं क्योंकि ये थोड़े से चीपेस्ट होते हैं इंडियन आईफोन की तुलना में, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूं कौन सी कंट्री का आपको खरीदना चाहिए। तो आईफोन 13 सीरीज तक तो भाई सबसे फेमस था हमारा यूएसए का वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर जो 5G देखने को मिलता है वो थोड़ा सा स्पीड वाला होता है। नॉर्मली बात करो जो पुराने आपके अदर कंट्री के हैं उसके अंदर आपको सब 6 GHz का 5G देखने को मिलता है, जिससे थोड़ा सा स्लो होता है, बाकी कोई ये बाकी सिमिलर फ़ोन होता है। बट आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर अब यूएसए का वेरिएंट आप खरीदोगे तो इसके अंदर आपको कोई भी सिम कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। आईफोन 14 सीरीज जो यूएसए के लिए स्पेशल बनी होती है, इसके अंदर आपको ई सिम की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। दोनों ही सिम कार्ड आपको ई सिम के ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इजी टू यूज़ हो, आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आप आईफोन 14 सीरीज़ भी चाहे यूएसए का वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो। बट इंडिया के अंदर जियो और एयरटेल ही ई सिम प्रोवाइड कराते हैं, और जियो का ई सिम करवाना है तो आपको जियो स्टोर पर जाना है, और एयरटेल का करवाना है तो अगर आपकी ईमेल आईडी वगैरह लगी हुई है तो फिर उसके ऊपर आपका ई सिम का जो है क्यूआर कोड आ जाएगा। तो उसके लिए मतलब इतना फास्ट सर्विस नहीं है इंडिया के अंदर, मैं बात कर लेता हूँ ई सिम के बारे में अभी भी। तो अगर आप ईजी टू यूज़ नहीं हो तो आप डेफिनेटली अदर कंट्री के आईफोन्स आप ले सकते हो, और यूएसए का वेरिएंट आप स्किप कर सकते हो। सेकंड बात कर लेते हैं जापान कंट्री का। जापान कंट्री का आईफोन आप परचेज कर सकते हो। पहले तो क्या है, जापान कंट्री का जो आईफोन होता था वो कैमरा फोटो क्लिक करने के अंदर उसकी शटर साउंड आती थी, वो अब बंद हो चुकी है। तो डेफिनेटली आप जापान की कंट्री का आईफोन आप ले सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे वेट करना, प्राइसिंग के बारे में किसकी प्राइसिंग कितनी ज़्यादा होती है कम होती है उसके बारे में बताऊंगा, बट वीडियो को स्किप मत करना। तो जापान का चाहते हो तो ले सकते हो, इसके अंदर आपको एक फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट और एक ई सिम देखने को मिल जाएगी। करते हैं हांगकांग का, ये भी ज्यादा हांगकांग के आईफोन्स में क्या होता है, एटलीस्ट वहां का लो है, इसके अंदर आपको दोनों फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, वहां ई सिम नहीं देखने को मिलेगी। चाहे आप इंडिया के अंदर भी हांगकांग का आईफोन ले रहे हो तो उसके अंदर दोनों सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेंगे, फिजिकली आप दोनों सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ड्यूल फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट वाला आईफोन चाहिए आईफोन 14 सीरीज में, कोई भी चाहे प्रो हो नॉन प्रो हो, तो आप हांगकांग का मॉडल भी ले सकते हो, और अभी इंडिया के अंदर वही बिखरे हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए के ई सिम आने लग गए तो अब हांगकांग और जापान के ज्यादा बिक रहे हैं, ये एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी दुबई वगैरह से लेके आते हो तो आप वो भी आईफोन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ई सिम के लिए यूएसए का वेरिएंट, अगर आप दोनों ई सिम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यूएसए का वेरिएंट मत खरीदना। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, भाई प्राइसिंग क्या है, कौन से कंट्री के आईफोन की प्राइसिंग ज़्यादा होती है और कौन से कंट्री के आईफोन की प्राइसिंग कम होती है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली पहले क्या होता था, यूएसए के जो आईफोन्स होते थे वो थोड़े कॉस्टली होते थे, फिर हांगकांग के उसके बाद, और जापान जो कंट्री के होते थे वो थोड़े से चीपर होते थे। मतलब मैं ये बात करूँ, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि $1000 का यूएसए का आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको जापान का $900 के आसपास, तो ये इतना $100-$50 का एटलीस्ट गैप रहता ही था, ठीक है। ये चीज़ें आपको किसी ने बताई नहीं होगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो अभी की बात करूँ, अगर आईफोन 14 प्रो या फिर नॉन प्रो मॉडल लेना चाह रहे हो, अभी मैं प्रो सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे आईफोन 14 प्रो का अगर हांगकांग का वेरिएंट आप इंडिया के अंदर लेते हो तो ₹1,20,000, ठीक है, और इंडियन आईफोन की प्राइस है ₹1,30,000, तो मात्र 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद करूँ आईफोन 14 प्रो के 256 GB वेरियंट की, तो उसकी जो प्राइस है अभी ₹1,30,000, यानी जो इंडिया के अंदर ₹1,30,000 के अंदर आपको आईफोन 14 प्रो 128 GB देखने को मिलेगा, वही अगर ग्लोबल लोगे चाहे जापान का लो या हांगकांग का लो, वहाँ आपको 256 GB का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं करूँ, अभी अगर आप आईफोन 14 सीरीज या 14 प्रो के जो इंपोर्टेड आईफोन ले रहे हो, इतना प्राइस कटआउट नहीं हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी है तो आप बाय कर सकते हो। बट मैं
इतना प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी लॉन्चेस हुए हैं, तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये जो आईफोन्स होंगे आपको, अगर ये वीडियो अभी अक्टूबर 2022 के अंदर बन रही है, 3 महीने 4 महीने के अंदर भी देखो तो प्राइस गैप आ जाएगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ ये प्राइसिंग अक्टूबर 2022 की है, ठीक है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप गालियाँ दोगे, कमेंट करो, इससे पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 महीने 4 महीने के अंदर इन आईफोन्स की जो है प्राइस डाउन हो जाएगी 90,000 या 1,00,000 रुपए तक के बीच में आ जाएंगे। तब अगर आप ग्लोबल आईफोन या इंपोर्टेड आईफोन खरीदोगे तो एक वैल्यू फॉर मनी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। मात्र 10,000 और 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो अभी ग्लोबल आईफोन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वारंटी वगैरह का भी इशू रहता है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर चैनल पे वीडियो बना रखी है इंपोर्टेड आईफोन गाइड की, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वहाँ आप जो है सभी वीडियो चेकआउट कर सकते हो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो कौन सी कंट्री का आईफोन आपको खरीदना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इंडिया का आईफोन खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडियन आईफोन के अंदर तो कोई इशू नहीं है, बट यूएसए वेरियंट के अंदर दोनों ई सिम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी कमेंट सुझाव हैं या कोई आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ जाके फॉलो कर दो जल्दी से। वहाँ पे भी जब जो भी आपके क्वेश्चन जो डाउट्स हैं आप वहाँ सीधे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो से नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और एप्पल से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हो तो तुम्हारा भाई रेगुलर ऐसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड करता है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन करना है, उसे प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है कि ऐसी एप्पल से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।